जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स जो हैं ये क्या होते हैं, आज हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। और आइसोटोप्स जो हैं इनके जो ओरिजिन है वो कब हुई और ये कब डिस्कवर हुए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन आइसोटोप्स जो हैं इनके कंसेप्ट्स को लेने से पहले ये बात डियर स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि जो एक साइंटिस्ट थे ब्रिटिश जॉन डाल्टन जो हैं, उनकी जो थ्योरी है आपने पढ़ी है और उस थ्योरी के जो पास्टुलेट्स थे वो भी आपके इल्म में हैं। उसने कहा था कि जो एटम्स होते हैं ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर टू ईच अदर इन शेप साइज मैस, मैस के लिहाज से, शेप साइज के लिहाज से एक जैसे होते हैं। और ये जो पॉइंट है इसको लेकर के इसके ऊपर रिसर्च की गई और रिसर्च के नतीजे में डियर स्टूडेंट्स 1921 में दो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है इसमें आता है, एक एफ सोडी थे, एक एफ विलियम थे। इन्होंने 1921 में ये डिस्कवर किया कि जो एक एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो भी सम टाइम जब एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है जो डाल्टन ने कहा था कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर या एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स। तो इन्होंने ये कहा था कि जो एटम्स हैं बाज़कात वो क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से एक एलिमेंट के जो एटम है डिफरेंट हो सकते हैं, और ऐसे जो एटम्स हैं उनको आइसोटोप्स का नाम दिया गया। अब आइसोटोप्स डियर स्टूडेंट्स जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसमें जो है वो दो वर्ड हैं, एक वर्ड जो है इसमें आइसोस है जिसका मतलब होता है सेम, और टोप्स का मतलब होता है प्लेस। मतलब ये है कि ये वो एटम्स होते हैं जिनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो अरेंजमेंट है उसमें सेम पोजीशन है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये जो टर्म है, ये जो मीनिंग है, ये आपके इल्म में होना चाहिए कि ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के लिए ये जो है वो आइसोटोप्स का वर्ड इस्तेमाल किया गया था। और हाइड्रोजन की क्योंकि पोजीशन जो है वो वन है, नंबर वन पे है, एक पोजीशन पे है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर आपको पता है वन होता है, तो उनकी उसकी क्योंकि पोजीशन वन है इस वजह से आइसोटोप्स जो है उनका ये नाम जो है वो बना कि आइसोस मीन सेम एंड टोप्स मीन प्लेस, मीन हाइड्रोजन आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी प्लेस क्या होती है, सेम होती है इन अ पीरियोडिक टेबल। ये तो इसके लफ्जी जो मतलब है वो आपको पता होना चाहिए। और हाइड्रोजन का एटम आपको पता है स्टूडेंट्स के वो नंबर वन पोजीशन पे है और उसके आइसोटोप्स हैं वो एक ही जगह पे मौजूद हैं। अब इनकी जो डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स वो क्या बनती है, मैंने आपको बताया है ये इसकी डेफिनेशन है हमारे पास। और डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स क्या है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर्स, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज एक दूसरे से डिफरेंट हो, ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड आइसोटोप्स, इनको आइसोटोप्स कहा जाता है। ये इनकी डेफिनेशन है। फर्स्ट चैप्टर में आपने आइसोटोप का वर्ड सुना होगा रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर, जिसमें हमने कहा था कि हम कार्बन के आइसोटोप के साथ जो है वो बाकी एटम्स के जो है वो मैसेज को कंपेयर करते हैं, तो वहां आइसोटोप का वर्ड था। तो अब आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें। अब जो आइसोटोप्स होते हैं, मिसाल के तौर पर आपको मालूम होना चाहिए कि जो डिफरेंट है एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है हाइड्रोजन जो है इसके थ्री आइसोटोप्स हैं, अभी हम उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। इसी तरह जो कार्बन है उसके भी थ्री आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन के थ्री आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम के थ्री आइसोटोप्स हैं, और इसी तरह जो क्लोरीन है इसके टू आइसोटोप्स हैं। अब जो आइसोटोप्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन वो पूछता होता है आमतौर पर कि आइसोटोप्स इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनकी क्या खसूसियात होती हैं। तो इनकी यहाँ पर जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज का हमने जिक्र किया है। जो पहली प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट, आइसोटोप हैव अ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है सेम होती हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट फॉर्म में कि आइसोटोप्स जो होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपके इल्म में होना चाहिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स एंड इन अ पर्टिकुलर इन अ वैलेंस शेल।
वैलेंस शेल जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको देखा जाता है, इससे केमिकल प्रॉपर्टीज का जो है वो पता चलता है, मालूम होती है कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। अब क्योंकि डियर स्टूडेंट्स है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह ये है क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम है, और एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से इनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम अरेंज करेंगे तमाम आइसोटोप्स के तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम आएगी। तो अगर आपसे वो पूछता है क्वेश्चन कि व्हाई आइसोटोप्स हैव अ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसका जवाब होगा बिकॉज दे हैव अ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये सिमिलर होती है। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वो ये है, दे हैव अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। और आपसे अगर पूछे कि क्यों डिफरेंट होती हैं तो इसकी वजह भी आपके इल्म में होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द एटॉमिक मैसेस या मैस नंबर्स पे इनका इनसार होता है, क्योंकि आइसोटोप्स के मैस नंबर हम डेफिनेशन में बात कर चुके हैं कि उनके डिफरेंट एटॉमिक मैसेस होते हैं, इस वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ये डिफरेंट होंगे, मैसेस जो इनके डिफरेंट होंगे, वजह क्योंकि इनकी डिफरेंट होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह इनकी मैसेस डिफरेंट, और मैसेस डिफरेंट होने की वजह डियर स्टूडेंट्स आइसोटोप्स के अंदर न्यूट्रॉन्स का वेरी करना है। ये बात दिमाग में बैठा लें। डियर स्टूडेंट्स आगे पूछता है दे हैव अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो डेफिनेटली क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी डियर स्टूडेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। फिर आप कहेंगे दे हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डेफिनेटली इनके मैसेज डिफरेंट है तो इनके जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है इनके अंदर डियर स्टूडेंट्स वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, मुख्तलिफ होगी। डियर स्टूडेंट्स अब यहां पर एक क्वेश्चन वो पूछता होता है कि राइट डाउन द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जो हैं वो आपने बताने होते हैं। तो याद रखिएगा जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो थ्री हैं, और वो कौन कौन से हैं उनके नाम आपको इल्म में होने चाहिए। पहला जो आइसोटोप है जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं ये प्रोटियम होता है, सेकंड आइसोटोप जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं ये ड्यूट्रियम होता है, और थर्ड आइसोटोप जिसे हम आमतौर पर टी से रिप्रेजेंट करते हैं ये ट्रिटियम होता है। तो ये तीन आइसोटोप्स हैं आमतौर पर जो हाइड्रोजन के हैं। अब अगर हम इन आइसोटोप के स्ट्रक्चर ड्रा करें डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट आइसोटोप जिसको हम H1, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, मैस नंबर भी 1 है, अगर हम इसके अंदर प्रोटॉन्स देखें 1 प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, और 1 प्रोटॉन होने की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 1 है। तो मैंने लिखा हुआ यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन इसके अंदर होता है, और इसको हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो नेचुरली अबंडेंस है जितनी मिकदार में ये नेचुरली पाया जाता है ये मोस्ट अबंडेंट होता है तीनों आइसोटोप्स में से, और इसकी जो अबंडेंस है वो 99.985% होती है डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे ज़्यादा यानी जो प्रोटियम है वो कायनात में मौजूद है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स सेकंड आइसोटोप आता है जिसको हम ड्यूट्रियम कहते हैं। ड्यूट्रियम जो है इसका जो सिंबल है वो 1H1 2 है, यानी 1 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 इसका मैस नंबर है, 2 मैस नंबर होने की वजह ये है कि इसमें एक 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन आ जाता है, इधर 0 न्यूट्रॉन था यहाँ 1 न्यूट्रॉन आ जाता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं तो इससे मैस नंबर बनता है, इस वजह से इसका जो मैस नंबर है वो 2 है हमारे पास। अब इसके अंदर अगर हम पार्टिकल्स की तादाद काउंट करें तो इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 है, इधर न्यूट्रॉन 0 था यहाँ न्यूट्रॉन 1 है, तो न्यूट्रॉन वेरी कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आइसोटोप्स के अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो आमतौर पर वेरी करते हैं। इसी तरह आइसोटोप्स की अगर हम बात करें जिसको हम ट्रिटियम कहते हैं, तो ट्रिटियम जो है इसका सिंबल जो है मैंने बताया टी है, लेकिन इसको हम लिखते हैं H1 3। H1 इसका जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है, और 3 इसका एटॉमिक मैस है। अब मैस इसका एटॉमिक क्यों है 3 है, वजह ये है कि इसमें 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन तो उसी तरह है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन जो है वो 2 है, तो न्यूट्रॉन 2 होने की वजह से इसको हम आमतौर पर जो है उसका मैस नंबर 3 लिखते होते हैं। अब ये कितना पाया जाता है नेचुरली, इसकी जो अबंडेंस है वो 1 ये होता है एटम इन 10 मिलियन हाइड्रोजन, अगर 10 मिलियन हाइड्रोजन एटम्स हो तो
तो उसमें से वन एटम जो है वो आमतौर पर ट्रिटियम का होता है। याद रखिएगा ये जो ड्यूट्रियम है, ड्यूट्रियम जो है इसको हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं, और आमतौर पर आपने वर्ड सुना होगा हैवी वाटर का, जो हैवी वाटर है उसके अंदर जो है वो ये दूसरा आइसोटोप जिसको हम ड्यूट्रियम कहते हैं, जिसका फार्मूला आमतौर पर D2O है, ये ड्यूट्रियम के मिलने की वजह से बनता है। यानी इसमें प्रोटियम नॉर्मल हाइड्रोजन नहीं है, इसमें जो ड्यूट्रियम है सेकंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन वो मौजूद होता है, और इस वजह से उसको हम हैवी हाइड्रोजन की वजह से हैवी वाटर जो है वो कहते हैं। तो ये आपने हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स और इसकी जो परसेंटेज है वो 0.0015% नेचुरली अबंडेंस है इसकी सेकंड आइसोटोप की। थर्ड का मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 in 10 million हाइड्रोजन एटम्स, अगर 10 million हाइड्रोजन एटम है तो उसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो ट्रिटियम का होगा। डियर स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये शार्ट क्वेश्चन में पूछ लेता होता है कि गिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बयान करें, तो आपने फिर ये तीन आइसोटोप्स जो है इनकी ये डिटेल जो है वहां पर देनी है। अब हम चलते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स जो कार्बन है इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें से 2 आइसोटोप्स हैं इनके बारे में कहा जाता है ये स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, और जो 1 आइसोटोप है वो आमतौर पर रेडियो एक्टिव होता है। तो इसमें कौन कौन से हैं, इसमें कार्बन 12 वाला है, 6 13 वाला है, और 6 14 वाला है। इसमें जो सबसे मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है डियर स्टूडेंट्स वो कार्बन 12 वाला है, जो 98.89% है। उससे जो फिर कलील मिकदार में आता है वो बहुत ही कम है, वो है 1.107%, वो 13 वाला है, और ये तो रेडियो एक्टिव है, तकरीबन इसकी बहुत ही कम परसेंटेज जो है वो मौजूद है। अगर हम इनके अंदर पार्टिकल्स काउंट करें, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन लेकिन न्यूट्रॉन इसमें 7 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 8 है, इसी वजह से इनके मैसेज जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो मैसेज डिफरेंट होते हैं वो ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आइसोटोप्स लेते हैं क्लोरीन के, तो क्लोरीन के हमारे पास जो है वो 2 आइसोटोप्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसमें क्लोरीन 1735 वाला है, क्लोरीन 1737 वाला है। अब जो 35 वाला है इसमें इलेक्ट्रॉन 17 है, प्रोटॉन 17 है, न्यूट्रॉन 18 है, इस तरह इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 17 है 37 वाले में, प्रोटॉन जो है वो 17 है, और न्यूट्रॉन इसमें 20 है डियर स्टूडेंट्स। अगर हम इनकी नेचुरली अबंडेंस की बात करें तो फिर इसके अंदर जो है वो 75.53% जो क्लोरीन का 1735 वाला आइसोटोप है ये होता है, और इसी तरह अगर हम इसके 37 वाले की बात करें तो वो 24.47% होता है जिस उसकी कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर। जो यूरेनियम है डियर स्टूडेंट्स इसके भी आइसोटोप पूछ सकता है आपसे, तो आइसोटोप यूरेनियम के आमतौर पर 3 होते हैं, 235, 234, 238, और इनके एटॉमिक नंबर 92 92 92 हैं, और इनके अंदर जो मैसेज हैं 234 हैं, 235 और 238 हैं। अब आपने एक काम करना है, वो ये है कि आपने इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं, जैसे हमने ये पहले कैलकुलेट किए हैं वैसे ही आपकी असाइनमेंट है, आपने ये पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है, और कमेंट सेक्शन में हो सके तो इनको मेंशन कर दीजिएगा। अगर हम समरी बनाए आइसोटोप्स की डियर स्टूडेंट्स, तो ये डिस्कवर हुए थे 1921 में, सोडी और विलियम ने इनको डिस्कवर किया था, और इनका जो मीनिंग होता है ग्रीक लैंग्वेज है आइसोटोप्स, और ग्रीक लैंग्वेज आइसो सेम और टोप्स का मतलब प्लेस है, और ये जो वर्ड है ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के लिए आमतौर पर ये मीनिंग इसके लिए जाते हैं। डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज हैं, प्रॉपर्टीज़ हम बात कर चुके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है, ट्रिटियम है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, जिसमें से 2 जो है वो क्या है, स्टेबल हैं, 12 और 13 वाला, और 14 जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, अनस्टेबल है। और क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, 1735 वाला और 1737 वाला। यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, जिसमें 234 वाला, 235 वाला
और 238 वाला। डियर स्टूडेंट्स, और ये असाइनमेंट है आपकी, एंड पे इसको आपने लाजमी जो है वो, इसके अंदर पार्टिकल्स मैंने खाली जगह छोड़ी हुई है कि आपने पार्टिकल्स जो है वो कैलकुलेट कर लेने हैं। होपफुली आपको आइसोटोप्स का जो कुछ कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।